दोस्तों, जैसे कि आज YouTube की तरफ से चार नया अपडेट आ गए हैं और ये चार नया अपडेट काफी इंटरेस्टिंग है। मैं पूरा डिटेल्स आपको बताऊंगा कि ये चार नया अपडेट क्या है और इसमें आपको फायदा क्या हो सकता है, पूरा डिटेल्स बताऊंगा। तो वीडियो पे बने रहें और इस तरह लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल बटन पर प्रेस करके रखिए। तो चलिए फटाफट जान लेते हैं कि ये चार अपडेट क्या है और इसमें आपको फायदा क्या हो सकता। तो दोस्तों, ये जो चार अपडेट है और इसी चार अपडेट में से जो फर्स्ट अपडेट है, इसी फर्स्ट अपडेट के अंदर तीनों कार्ड जो पहले से था डेस्कटॉप में, जिनका चैनल डेस्कटॉप में ओपन किया करते थे, उनका ये फीचर्स पहले ही मिलता था। तो ये तीनों कार्ड को अभी YT स्टूडियो जो मोबाइल एप्लीकेशन होता है, ये YT स्टूडियो एप्लीकेशन में सबको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपका चैनल अभी मोबाइल से लॉग इन हो तो आपको ये फीचर्स देखने को मिल जाएगा YT स्टूडियो एप्लीकेशन के अंदर। तो ये YT स्टूडियो में जो तीनों कार्ड मिला गया, उसमें जो फर्स्ट कार्ड है वो है कि रिटर्निंग व्यूअर्स। तो ये रिटर्निंग व्यूअर्स कहाँ मिलेगा आपको? YT स्टूडियो में जो ऑडियंस करके सेक्शन है, उसी सेक्शन में आपको रिटर्निंग व्यूअर्स का एनालिटिक्स मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है, इस तरह। तो रिटर्निंग व्यूअर्स क्या होते हैं मैं आपको समझा देता हूँ, आसान भाषा में सुनिए। रिटर्निंग व्यूअर्स वो होते हैं जो आपको पुराने व्यूअर्स है, पुराने व्यूअर्स अभी जो वीडियो आपने डाल रहे हैं, अभी जो नया वीडियो आप अपलोड कर रहे हैं, उसी पुराने व्यूअर्स अभी आपका नया वीडियो भी देख रहे हैं, उसको कहते हैं रिटर्निंग व्यूअर्स। तो ये रिटर्निंग व्यूअर्स का एनालिटिक्स आपको ऑडियंस सेक्शन में मिल जाएगा, तो आसान तरीके से आप समझ पाएंगे। और न्यू व्यूअर्स का भी एनालिटिक्स आपको मिल जाएगा, शो किया जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें आपको एक फायदा हो सकता है, जैसे कि आप समझ जाएंगे कि पुराना व्यूअर्स किस तरह वीडियो आपको देखना पसंद करते हैं और उसी रिलेटेड आप वीडियो बनाएंगे, तो आपका चैनल बहुत जल्द ग्रो होगा, आपका सब्सक्राइब भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको एक फायदा हो सकता है। अब यहाँ पे दूसरा कार्ड जो आपको YT स्टूडियो में देखने को मिलेगा वो है कि मेंबर्स। तो आपको एक्टिव मेंबर्स कितना है वो भी आपको एनालिटिक्स की तरह आपको शो किया जाएगा, ठीक है, YT स्टूडियो में। तो ये पहले कंप्यूटर में था, तो ये दूसरा कार्ड हो गया। और जो तीसरा कार्ड है वो है लेटेस्ट वीडियो परफॉर्मेंस, यानी आप चेक कर सकते हैं, आपको YT स्टूडियो में आपको मिल जाएगा, आप चेक कर पाएंगे कि आपका जितना सारे वीडियो है उसमें से कौन सा वीडियो अभी टॉप रैंक पर है, आप उसी वीडियो का डिटेल्स आप एनालिटिक्स चेक कर सकते हैं। ये आपको YT स्टूडियो आपको एप्स में मिल जाएगा जो पहले कंप्यूटर में था। तो ये जो तीनों कार्ड जो पहले कंप्यूटर में मिलता था, तो अभी आपको YT स्टूडियो जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। और ये तीनों कार्ड मिला के फर्स्ट अपडेट, तो ये फर्स्ट अपडेट अभी हो गया है। और अभी आते हैं दूसरा अपडेट के बारे में, और दूसरा अपडेट जो है वो है करेंसी सेटिंग्स। तो आप करेंसी सेटिंग्स कर पाएंगे, आप सेटिंग्स ऑप्शन पे जाके करेंसी ऑप्शन मिल जाएगा, उसमें क्लिक करके आप कंट्री के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका जितना रेवेन्यू, जितना डॉलर आपको बने हुए हैं चैनल पर, उसी डॉलर आपको उसी कंट्री के हिसाब से कितना पैसा होते हैं, ठीक है, आप चेक कर पाएंगे। इंडिया के है तो इंडिया भी कर सकते हैं, कोई भी कंट्री के आप हो तो आप उसी के हिसाब से चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा अपडेट, और अभी आते हैं तीसरा अपडेट के बारे में। और जो तीसरा अपडेट है वो है बॉटम नेविगेशन बार के लेकर। तो ये बॉटम नेविगेशन बार काफी दिनों से यूट्यूब एक्सपेरिमेंट कर रहा था, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट करते हुए यूट्यूब अभी सबको अवेलेबल कर देंगे, जो YT स्टूडियो में आपको मिल जाएगा, एक नया नया आपको एक फीचर्स की तरह आपको मिल जाएगा नेविगेशन बार, ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं, इस प्रकार आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया तीसरा अपडेट, और अभी आते हैं चौथा अपडेट के बारे में, जो कि एनालिटिक्स के लेकर, ठीक है। तो एनालिटिक्स कुछ अलग प्रकार आपको शो किया जाएगा, आपको कंप्यूटर में आप देख सकते हैं, इस प्रकार आपको शो किया जाएगा, ताकि आप बहुत आसान तरीके से आप समझ पाएंगे कि कितना वीडियो आपका रैंक कर रहा है, और उसी के हिसाब से आप वीडियो बनाएंगे तो आपका चैनल भी ग्रो करेगा, आपका सब्सक्राइब भी गेन होगा, ठीक है। तो इस तरह आपको एनालिटिक्स आपको शो किया जाएगा। तो ये भी बहुत काफी एक महत्वपूर्ण अपडेट आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चार अपडेट है, इसमें आपको कौन सा अपडेट बेटर लगे कमेंट सेक्शन में लिखेगा, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए, और इस तरह लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल बटन पर प्रेस करके रखिए। तो मिलते हैं फिर अगले एक नया वीडियो के साथ, तब तक आपका ख्याल रखें, धन्यवाद।